करीब 69 लाख की आबादी वाला हिमाचल प्रदेश हमेशा से देश भर में अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है। 2017 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने व इसे प्रगतिशील राज्य बनाने का बीड़ा उठाया। इसके अलावा निवेश लाने के लिए अपना प्रयास भी शुरू किया। इसी का परिणाम है कि आज हिमाचल प्रदेश में 79,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए निवेशकों ने विभिन्न क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का मानना है कि यदि उनके ये प्रयास 20% भी सफल होते हैं, तब भी हिमाचल प्रदेश में विकास को तीव्र गति मिलेगी। नमस्कार। हिमाचल भारत का एक छोटा सा प्रदेश, लेकिन बहुत खूबसूरत प्रदेश, जहां प्रकृति हर जगह है। हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत अच्छा माहौल है। कानून व्यवस्था पूरे देश में सबसे बेहतर हिमाचल प्रदेश में, और उसके साथ साथ में लोएस्ट पावर टैरिफ हिमाचल प्रदेश में। ऐसी बहुत सारी सुविधाओं के माध्यम से हम सरकार की ओर से आपको सहयोग देने के लिए तैयार हैं। मुझे आपको बताते हुए ये प्रसन्नता हो रही है कि हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हम अब की बार लेने जा रहे हैं, और इस इनिशिएटिव के माध्यम से एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हम करने जा रहे हैं। मेरा आप सबसे यही निवेदन है, हम मिल करके काम करें, और हिमाचल प्रदेश में आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। सरकार की ओर से जो भी संभव सहयोग होगा वो आप सबको प्रदान किया जाएगा, और हिमाचल शिखर की ओर बढ़े, ये हमारा एक सपना है। इस सपने को साकार करने में आपका एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। मैं आप सबको इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में आमंत्रित करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अपनी औद्योगिक नीति में खासा बदलाव किया है, ताकि निवेशकों को प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए उचित वातावरण मिले। इसके लिए सरकार ने सिंगल विंडो क्लियरेंस की रूपरेखा तैयार की है। भूमि उपलब्ध करवाने के सिवाय हिमाचल प्रदेश ऊर्जा सरप्लस राज्य है, जिससे उद्योगों को सस्ती बिजली जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं। प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में देश में दूसरे स्थान पर आता है, और ऐसे में उद्योगों को मानव संसाधन जुटाने में आसानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़, शिमला।